हेलो एवरीवन, आज का हमारा चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसके आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2021 के अकॉर्डिंग हैं और इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके ये क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं एग्जाम्स में। तो इसमें हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा ब्लैक एरोप्लेन। इसके लिए आज हम शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर का ऑथर कौन है? तो इसमें हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, लैम ऑफ फ्लैहर्टी, ये इसके ऑथर हैं इस वाले चैप्टर के। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन जो चैप्टर लिखा है वह किसने लिखा है? ये लिखा है फ्रेडरिक फोर्सिथ ने। सही जवाब है ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन आता है, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट ए। किसके बारे में है फर्स्ट फ्लाइट? तो ये है एक सीगल के बारे में, ये सही जवाब है इसका। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, व्हाई वाज ही एफ्रेड टू फ्लाई। उसे उड़ने से डर क्यों लगता था? ही वाज एफ्रेड हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम, इसलिए वो डरता था सीगल। तो सही जवाब ये वाला है। आप ये क्वेश्चंस नोट डाउन भी कर सकते हैं और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, What did his parents threaten him with if he didn't flew away? तो इसका सही जवाब है, आप भी बता सकते हो यदि आपको आते हैं, to starve him। किसकी धमकी दी थी उसे? भूखा रखने की। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन आता है, What were his parents teaching his brothers and sisters? क्या सिखा रहे थे वो? To perfect the art of flying, to skim the waves, to dive for fish. तो आंसर है all of the above, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, The sight of, यहाँ पर आपको फिलअप करना है मैडन हिम। तो इसका सही जवाब है फूड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट अर्ज्ड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट? हंगर, साइट ऑफ फिश, करेज। तो इसमें से ये दोनों जो हैं ऑप्शन सही हैं, तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड हिज मदर स्टॉप मिडवे व्हाइल गिविंग हिम द फिश? इसका सही जवाब है, टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, ऑप्शन बी यहां पर सही है। क्वेश्चन आ रहा है, द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, आंसर है द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम, द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम, यहां पर भी हमें लिखना है और यहाँ पर भी। तो इनमें से हमारा जो ऑप्शन है वो हमें चूज करना है। ऑप्शन है हमारे पास ये सब, और इनका जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा सही जवाब है। यहाँ आएगा फ्रांस और यहाँ आएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू। व्हाट वाज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो यहाँ पर टू रीच हिज डेस्टिनेशन, टू मीट हिज फैमिली, हिज हॉलीडे, ये गलत है लेकिन ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन है, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे? पेरिस आएगा। क्वेश्चन है, They looked like black mountains standing in front of me across the sky. What looked like black mountains? Storm clouds जो थे वो black mountains जैसे
दिखाई दे रहे थे पायलट को, आपको स्टोरी पढ़ी है तब ध्यान भी होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ रहा है व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। तो फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, ये रिस्क उसने लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स हैज स्टॉप्ड वर्किंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया था। तो कंपास ने भी और रेडियो ने भी, तो बोथ ऑफ देम आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन आ रहा है व्हाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट। बोथ सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर ऑप्शन सही है, ये दोनों सही हैं, ये गलत है। क्वेश्चन है व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंड वाज हैपनिंग टू हिम सो दैट ही कुड टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। ही वाज फॉलिंग एस्लीप। क्वेश्चन आ रहा है व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, कौन सा खाना लेकर के आई थी वो, फिश लेकर के आई थी। हाउ फार वाज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। 150 किलोमीटर्स। क्वेश्चन है व्हेन द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन आस्क्ड द नरेटर टू फॉलो हिम इन विच डायरेक्शन डिड ही टर्न द एरोप्लेन, नॉर्थ डायरेक्शन में गए थे। क्वेश्चन आ रहा है व्हाई डिड द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टुवर्ड्स पेरिस, ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग, उस एरोप्लेन का नाम क्या था, डकोटा था, ओल्ड डकोटा उड़ा रहा था वो। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है द पायलट वाज नॉट एबल टू एनीथिंग, तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है आपके सामने, चार ऑप्शन हैं, इनमें से आपको एक चूज करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ये सही है, ऑप्शन ए, द पायलट वाज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज हमारे टू स्टोरी के ये हमने नए पैटर्न के अकॉर्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को देखते रहिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सभी जो चैप्टर्स हैं वो आपको उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएं। ये अभी सीरीज चल रही है इसकी, और आप हर सीरीज को देख करके इसी तरह के पैटर्न के आधार पर अपने क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।